हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभिलाषा, मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड। तो अभी आपने देखा कि मैंने कुछ फेस मास्क लगाया, फेस मास्क, फेस पैक, जो भी बोल सकते हो, फेशियल, जो भी मैंने किया, और वो लगाने के बाद मेरे चेहरे पे आया है इंस्टेंट ग्लो। और वो जो ग्लो है वो है बिल्कुल नेचुरल। तो जी हाँ, जो भी मैंने अभी किया है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जब मैं आप आगे देखोगे अभी वीडियो में, तो आपको यही देख के लगेगा कि वाह, अभी मुझे करना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि हम किचन से छोटी सी कुछ चीज़ें लेंगे जो हर रोज़ हम यूज़ करते अपने खाने में, पीने में, हर रोज़, और हर किसी के किचन में ये चीज़ें अवेलेबल होती है। तो बस किचन से हम थोड़े से 3 या 4 चीज़ें लेंगे, उन्हें एक साथ राइट क्वांटिटी में मिक्स करना है, अपने चेहरे पे लगाना है और पाना है इंस्टेंट नेचुरल ग्लो। और जो भी चीज़ें हमें लेना है उसके क्या क्या फ़ायदे और वो किस तरीके से हमारी स्किन को बेनिफिट पहुँचाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग है, आपके फायदे का है, आपके काम आया है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं अभी इस यूट्यूब पे अभी न्यू हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ही यही आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, फ्रेंड की तरह अपील करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। हफ्ते में मैं 3 वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली वीडियोस होंगी। इसको जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि मैंने फेस मास्क, फेस पैक, जो भी अभी किया है, या तो इंस्टेंट फेशियल बोल लीजिए उसे, या फेस मास्क बोल लीजिए, या फिर फेस पैक बोल लीजिए, जो भी बोलिए, लेकिन वो है 100% नेचुरल विदाउट एनी साइड इफेक्ट का। और उसके क्या रिजल्ट है, उसका रिजल्ट आपके सामने मैं हूँ। अभी मेरे चेहरे पे अभी कोई मेकअप नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी वही फेशियल किया है और आपके सामने मैं बैठी हूँ। और जब कभी भी हम कोई फेस पैक या फेस मास्क या फिर फेशियल करते, चेहरे पे मेकअप बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो जो भी हमने अभी लगाया है उसके बेनिफिट हमें नहीं मिलेंगे। और मैं इस रूल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। ओके, तो मेरे चेहरे पर अभी कोई मेकअप नहीं देख रहा था। अगर आपको लग रहा है कि मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है तो यस, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक कांच का बाउल, एक कटोरी ली है छोटी सी, और उसमें मैंने डाल दिया है चावल का आटा। आप चाहे तो बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और उसके बाद मैं ले रही हूँ 1 चम्मच हनी, यानी कि शहद, पतंजलि का बिल्कुल शुद्ध हनी है ये। और उसके बाद मैं ले रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में मैंने यूज़ किया है ब्रू का, 2 रुपीज़ का ये सैशे है, एंड इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी होता है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच दही लिया है जो कि बिल्कुल होममेड है, घर का दही है, बाहर से नहीं ख़रीदा है हमने। और ये सारी चीज़ों को, सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिला के अच्छी तरीके से एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, क्योंकि जब हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तभी हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो सारे पेस्ट को मैंने अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। और उसके बाद मैं इसे अपने चेहरे पे लगा रही हूँ इस तरीके से। आप अपने 4 फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट अपने हाथों में, फिंगर में लेके इस तरीके से अपने पूरे ऑल ओवर द फेस लगाना है। उसके बाद दोनों हाथों की हेल्प से सर्कुलर मोशन में चेहरे पे मसाज करना है, क्योंकि हम इसे इंस्टेंट फेशियल भी बोल रहे हैं और इंस्टेंट फेस पैक भी बोल रहे हैं, या फिर आप इंस्टेंट इसे फेशियल मास्क भी बोल सकते हो। लेकिन जो भी है ये हमें इंस्टेंट इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो जो भी है, ये सारी चीज़ों को इस तरीके से चेहरे पे लगा के, मसाज इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस मसाज को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर ज़रा सा भी हम रॉन्ग स्टेप करेंगे तो हमें इसे इसके इफ़ेक्ट नहीं साइड इफ़ेक्ट झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें सर्कुलर मोशन में चेहरे पे अपलिफ्ट करते हुए अपने चेहरे पे मसाज करना है। और मसाज के साथ साथ मैं इस तरीके से अपने गर्दन पे भी लगा ले रही हूँ,
क्योंकि धूप की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो ये गर्दन होता है ये भी मतलब विजिबल ही रहता है, जिसकी वजह से ये भी टैन हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे भी ये फेस पैक या ये फेशियल मास्क है इसका अगर हम इस्तेमाल यहाँ पे भी करते हैं तो यहाँ से भी जो भी डार्क पैचेस वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरीके से मैं अपने आईब्रोज़ के ऊपर इस तरीके से मसाज करना है जिससे आपके आईब्रोज़ बहुत अच्छी तरीके से ऊपर है और आपकी आंखें एक समय के साथ जो है धंस जाती है तो वो ना हो। और गालों पे इस तरीके से ऊपर की तरफ मसाज करना है ताकि आपकी स्किन जो है सैगिंग ना हो और अच्छी तरीके से ऊपर है और टाइट और खींची खींची सी रहे, बिल्कुल जवा और खूबसूरत। अगर आप ज़रा सा भी इसका उल्टा करेंगे तो आपकी स्किन जो है नीचे की तरफ लटक जाएगी और झुर्रियाँ आ जाएगी। और अपनी ठुड्डी पे यानी कि चिन पे इस तरीके से चार फिंगर की हेल्प से गोल 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 करके मसाज करना है जिससे मसाज भी हो जाएगा और जो भी व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। आंखों के नीचे इस तरीके से मसाज करना है ताकि आपके जो जॉ लाइन है वो बिल्कुल खिला ऊपर की तरफ उभरी उभरी सी रहे और सुंदर लगे देखने में। हम इस फेस पैक का इस्तेमाल अपने आंखों के ऊपर भी कर सकते हैं जिससे जो भी डार्क सर्कल वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें भी दूर हो जाएगी। और इस तरीके से हमें ऑल ओवर अपने चेहरे पे पूरे चेहरे पे बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जो है मसाज करना है। अब मसाज होने के बाद जो भी बचा हुआ फेस पैक है उसे हम चेहरे पे अच्छी तरीके से लगा लेंगे और इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आ गई हूँ अपने चेहरे को वॉश करके प्लेन वाटर से, बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाले पानी से मैंने इसे वॉश किया है। और टॉवल लेके हल्के हाथों से टैप करते हुए चेहरे को साफ करना है यानी कि पोंछना है और सुखाना है। और अब आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो जो भी ग्लो आया है बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो है। बिल्कुल भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख सकते हो चेहरा कितनी अच्छी तरीके से क्लीन और बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है। मुझे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट लग रही है। तो फ्रेंड देखा आपने कि वीडियो कैसा लगा आपको, फेस पैक कैसा लगा, क्या रिजल्ट आया। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक आप ज़रूर करेंगे। और चूंकि मैं आपसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, अपील कर चुकी हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और अपनी फ्रेंड अभिलाषा की ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इसी तरीके कुछ अमेजिंग ब्यूटी टिप्स के साथ या हेल्थ टिप्स के साथ या हेयर केयर टिप्स के साथ। एंड इसी उम्मीद में कि शायद आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ना नीचे उसे आप लोगों ने हिट कर लिया होगा। तो ठीक है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे रिजल्ट मिले। सो ये ब्यूटी टिप्स जो है जो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया बहुत ईजी और ये हर स्किन टाइप को सूट करेगा। ओके, तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।